Hello my dear student and my dear friends, welcome all of you on our YouTube channel ITT Science Classes. आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हम ऐसा उम्मीद करेंगे, है ना? सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए. और आज हम लोग अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल लिए हैं और इसमें कहता है टू आइडेंटिकली चार्ज पॉइंट स्फीयर, मतलब दो छोटा छोटा स्फीयर है लेकिन कैसा है, चार्ज्ड है, आवेशित है, ऑफ मास 10 ग्राम. दोनों का मास कितना कितना ग्राम है, 10 ग्राम है, मतलब स्फीयर है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा. आर सस्पेंडेड बाय थ्रेड ऑफ लेंथ एल, एल सेंटीमीटर या एल मीटर के थ्रेड से लटकाया गया है जैसा कि फिगर में है. कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, तब दोनों स्फीयर पे चार्ज निकालना है. बेसिकली ऐसा है कि दो स्फीयर को जब आप लटकाए होंगे, सस्पेंड किए होंगे, तो दोनों अगर जो चार्ज नहीं होता तो दोनों का सस्पेंशन पॉइंट अगर एक ही होता तो दोनों चार्ज ऐसा कुछ लटकता. लेकिन ये दोनों स्फीयर पे चार्ज है, दोनों स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल किया होगा, तो दोनों पर फोर्स तो बराबर लगा होगा. जितना ए पर लगा होगा फोर्स उतना ही बी पर लगा होगा. तो अपने इस इनिशियल पॉइंट से जितना चार्ज स्फीयर बी इधर गया होगा उतना ही स्फीयर ए इधर आया होगा. क्यों? क्योंकि दोनों का मास बराबर है. ओके, तो सवाल उठता है कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ते गया, यहीं पर क्यों आकर ऐसे रुक गया है. तो यहाँ पर दोनों स्फीयर क्या है, इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम में है मतलब कि इस स्फीयर पर, ए पर और बी पर नेट फोर्स जीरो हो गया. अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो ये स्फीयर बी और आगे बढ़ते जाता या जिधर फोर्स होता उधर ये क्या होता, मूव करता. तो इसका सिंपल मतलब है कि ये सिचुएशन जो दिखाया गया है ये क्या है, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन. अब देखिए, किसी एक स्फीयर का लेकर चर्चा करते हैं तो बी स्फीयर पे आइए. तो ये इतना तो मान रहे हो कि ये सर दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और ये इसका ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉन करें तो जितना इधर डिस्टेंस होगा उतना ही ये होगा. चूँकि यहीं पर दोनों पहले से था, वेट के कारण वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पर लटका हुआ था दोनों स्फीयर, फोर्स लगा ऐसे ऐसे बढ़ते गया इस टाइप से, तो जितना इधर बढ़ा होगा उतना ही इधर बढ़ा होगा. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का समान हुआ होगा. तो टोटल दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ ये एंगल कितना दिखेगा, 30 डिग्री दिखेगा. ओके, अब बी पर जो फोर्स है वह फोर्स अगर जो आप निकालिएगा बी पर फोर्स जो निकालिएगा तो बी पर फोर्स अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे इधर लग रहा होगा mg, रस्सी टाइट होगी तो रस्सी में एक फोर्स होगा टेंशन T. यहाँ अगर ऐसे आप ब्रेक करते हैं तो इधर आपका फोर्स लग रहा होगा F, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स. इधर आपका टेंशन है तो टेंशन का एक कंपोनेंट 30 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा. तो टेंशन को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, रिजोल्व कर देते हैं दो कंपोनेंट में, तो थीटा 30 डिग्री पे कंपोनेंट लीजिएगा तो T cos 30 डिग्री, इधर से एंगल 60 डिग्री दिखा होगा, है ना, 30, ये कंप्लीट एंगल 90 होगा, तो 30 है तो कितना होगा, 60 डिग्री. तो टेंशन का इस लाइन पे कंपोनेंट जो होगा इधर, ये कितना होगा, T cos 60 डिग्री. ओके, अब बॉडी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है तो जितना लेफ्ट फोर्स उतना ही राइट फोर्स, जितना अप उतना ही डाउन, जितना लेफ्ट उतना राइट. तो यहाँ से अगर लिखेंगे T cos 60 डिग्री, T cos 60 डिग्री इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और T cos 60 डिग्री. F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब 1/4πε0 Q1 into Q2, तो Q1 भी Q है और Q2 भी Q है.
बाय डिस्टेंस दोनों का x जो कि 5 सेंटीमीटर है x स्क्वायर। ओके, तो ये फर्स्ट हुआ। यहां से अगर t cos 30 लिखेंगे, t cos 30 क्या होगा, t cos 30 सिंपल किसके बराबर होगा, तो mg के बराबर होगा। ये सेकेंड हुआ, फर्स्ट बाई सेकेंड कर दीजिए, तो t से t तो कैंसिल होगा, cos 60 बाई cos 30, cos 60 बाई cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई इप्सिलन 0 क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर बाई कितना एम जी। कॉस 60 कॉस 30 कितना होगा, तो कॉस 60 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 बाई कॉस 30, कॉस 60 को कॉस 60 का वैल्यू साइन 30 के बराबर होगा, या यूं कहें कॉस 60 इक्वल टू 1 बाई 2 और कॉस 30 का मान रूट 3 बाई 2, तो ये कैलकुलेट करके कितना आएगा, 1 बाई रूट 3। ओके, तो ये कैलकुलेशन करके 9 × 10⁻⁹, चलो यहाँ लिख देते हैं, वन बाई रूट थ्री, इसका दोनों का रेशियो 1/4 πε₀ 9 × 10⁻⁹, क्यू इंटू क्यू को रहने दीजिए, क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर 25, 10⁻⁴ −4 5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट किए होंगे, उसका स्क्वायर किए एक्स स्क्वायर एम जी। एम जी कितना है, मास है 10 ग्राम, तो ये 10 × 10⁻³, ये केजी हो गया, और इंटू जी गुना किया तो 10 हो गया। ओके, तो ये सारा कैलकुलेशन करके आपका यहाँ से क्यू निकालेंगे तो 12.5 × 10⁸ कूलम आएगा। ओके, चार्ज निकलेगा हमारा कैलकुलेशन। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पर लिया गया है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी इन द गिवन फिगर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल इस तरह से तीनों साइड बराबर दिया हुआ है ऐसे किताब में, इफ लेंथ ऑफ हिज साइड इज 4 सेंटीमीटर किया हुआ है, लेंथ की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर किया, मतलब इच लेंथ का साइड, प्रत्येक लेंथ का साइड 4 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल होगा। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस पर उसके पी पॉइंट पर, पी क्या है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड है, ठीक है, या इन सेंटर, सेंट्रोइड और इन सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एक ही पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो इस पर फोर्स निकालना है पी पॉइंट पर, जहाँ कितना चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और इन तीनों पॉइंट पर ए बी सी पर बराबर चार्ज रखा हुआ है। सपोज कि कितना कितना चार्ज रखा हुआ है, क्यू क्यू क्यू, तीनों पर बराबर चार्ज रखा हुआ है। तो कूलम ने बताया था कि फोर्स जब भी लगता है तो दो चार्जों के बीच लगता है, तो जब पी पर आप चार्ज को रखे होंगे तो उस समय ए भी फोर्स लगा रहा होगा, बी भी फोर्स लगा रहा होगा, और सी भी फोर्स लगा रहा होगा, अपने अपने डायरेक्शन में लगा रहा होगा, अपने अपने नेचर के अनुसार लगा रहा होगा, अगर दोनों पॉजिटिव ए और पी का जोड़ा का पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल कर रहा होगा, बी और सी अगर पॉजिटिव निगेटिव जो भी है उस अनुसार से फोर्स लग रहा होगा। ओके, तो बारी बारी से देखते हैं कि ए अगर लगा रहा होगा पी पर तो किधर फोर्स लगा रहा होगा। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, चार्ज का नेचर देखेंगे।
तो ए पर कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, और बी पी पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पी पर के चार्ज को ए किधर फोर्स लगा रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, तो रिपल्सन का क्या नियम है कि दोनों को मिलाने वाला लाइन पर ही बाहर की ओर, मतलब ये हुआ कि पी पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये क्या होगा फोर्स ऑन पी ड्यू टू चार्ज एट ए, ओके। उसी तरह से P पर B के कारण जो लग रहा होगा वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो P पर B के कारण जो लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, रिपल्सन का ही लग रहा होगा, तो रिपल्सन ये दोनों को मिलाने वाला लाइन पर ही बाहर की ओर, तो ये किधर कितना लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसको क्या कहेंगे फोर्स ऑन चार्ज एट P ड्यू टू चार्ज एट B, ओके। पी पॉइंट पे रखे एक कूलम के चार्ज पर सी किधर फोर्स लगा रहा होगा, तो किधर लगा रहा होगा ये देखने के लिए आप क्या देखिएगा कि पी पर कैसा चार्ज है, तो पी पर पॉजिटिव चार्ज है, सी पर कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच कैसा फोर्स लगता है रिपल्सन का, तो पी पर रखे चार्ज को, पी बिंदु पर रखे चार्ज को सी बिंदु का चार्ज दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन पर ही क्या लगा रहा होगा बाहर की ओर लगा रहा होगा, तो P पर रखे चार्ज पर C जो फोर्स लगा रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे फोर्स ऑन चार्ज एट P ड्यू टू चार्ज एट C, ओके। अब देखिए चूंकि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यह P पॉइंट जो है सेंट्रॉइड है या इन सेंटर, मतलब सेंटर है इसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड और इन सेंटर दोनों एक ही पॉइंट हो जाता है, इसका मतलब होगा जितना B से P की दूरी होगी P से C का दूरी और P से A का दूरी बराबर होगा, तो ये R R R जब दूरी बराबर हो गया, चार्ज का मैग्नीट्यूड हर पेयर के लिए वही है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, मतलब फोर्स ऑन P ड्यू टू चार्ज एट C इज इक्वल टू फोर्स ऑन P ड्यू टू चार्ज एट B इज इक्वल टू फोर्स ऑन P ड्यू टू चार्ज एट C होगा, मैग्नीट्यूड पे तीनों चार्ज बराबर होगा। लेकिन इसका मतलब तो ये तो नहीं हुआ कि P पर अगर टोटल फोर्स निकालना है तो तीनों को ऐड कर देंगे, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो P पर रखे चार्ज पर अगर जो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो वेक्टर के एडिशन से चलेंगे, तो याद रखा जाए कि तीन इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स, तीन इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर 120 डिग्री पर एक दूसरे से है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा जीरो होगा, तीन इक्वल फोर्सेस का या तीन इक्वल मैग्नीट्यूड का कोई भी वेक्टर हो, फोर्स हो, फील्ड हो, अगर एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर हैं तो उसका रिजल्टेंट जीरो होगा, ओके। तो देखिए 120 बन रहा है, अगर ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 हुआ तो ये आपका 30 होगा, क्योंकि सेंट्रॉइड का लाइन मीडियंस मतलब एंगल को दो भाग में बांटेगा किसके लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ओके। तो ये 30 डिग्री, ये भी कितना 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री, तो उसी टाइप से जब ये 120 हुआ, ये 30 है, ये 90 होगा, तो ये कितना होगा 30 90, तो ये 60, तो इधर से 60, तो ऐसे ये 60 और ये 60, ए 60, ए 60, 60, 60, तो दो लाइन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120, अरे 60 और ये भी 60, तो टोटल 120 एंगल होगा कि नहीं, खैर उतना जानने का ज़रूरत नहीं है, ये तीनों फोर्स जो है एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर हैं, तीनों का तीनों फोर्स कैसा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, जब तीन इक्वल फोर्सेस एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर हूँ और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो वैसे स्थिति में रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब एफ नेट जीरो होगा, ओके। याद रहे दो इक्वल फोर्सेस, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्सेस 180 डिग्री के एंगल पर हो तो भी रिजल्टेंट जीरो होगा, फोर इक्वल फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्सेस एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट जीरो होगा, तो यहाँ तीन फोर्स है
पी पर तीन तरह का फोर्स लग रहा है, तीन तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, पी पर ए के कारण, पी पर बी के कारण, पी पर सी के कारण। मैग्नीट्यूड में तीनों फोर्स बराबर है, इसलिए पी पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ, जीरो हुआ, मतलब नेट फोर्स क्या हुआ, जीरो हुआ। ओके, यहाँ पर अगला सवाल हम लिए हैं, कह रहा है इन द गिवन फिगर थ्री पॉइंट चार्जेज आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट बी, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट बी। मतलब तीन चार्ज है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखा हुआ है, प्रत्येक चार्ज का मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं 100 माइक्रो कूलम है, कहीं ए पर पॉजिटिव चार्ज है, सी पर निगेटिव है, बी पर पॉजिटिव है, आपको रिजल्टेंट फोर्स बी पॉइंट पर के चार्ज पर निकालना है, मतलब बी पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट का मतलब है कि बी पर दो तरह का फोर्स लगेगा, बी पर ए के कारण भी लगेगा, बी पर सी के कारण भी लगेगा, तो आखिर बी पर नेट बल, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल क्या होगा ये निकालना। तो बारी बारी से चलते हैं कि बी पॉइंट पर अगर ए फोर्स लगा रहा होगा तो कैसा फोर्स लगा रहा होगा। तो बी पॉइंट पर अगर ए पॉइंट का चार्ज फोर्स लगा रहा होगा तो कैसा फोर्स लगा रहा होगा, कैसा, मेरा कहने का मतलब कि अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा होगा या रिपल्सन का लगा रहा होगा, क्या अट्रैक्शन का, जी नहीं, रिपल्सन का। क्यों रिपल्सन का, क्योंकि ए पॉइंट पर चार्ज सर पॉजिटिव है, बी पर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो देखिए, तो बी पर के चार्ज को ए रिपेल कर रहा होगा, तो रिपल्सन का क्या रूल है, दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन पर ही बाहर की ओर, तो ये बाहर की ओर इधर लग रहा होगा। ओके, तो इसको फोर्स ऑन चार्ज एट बी ड्यू टू चार्ज एट ए कहेंगे। कितना होगा ये मैग्नीट्यूड हम लोग देख लेंगे, पहले डायरेक्शन का बात करते हैं। अब बी पर सी भी फोर्स लगा रहा होगा, तो सी किधर फोर्स लगा रहा होगा, तो उसको देखने के लिए बी पर कैसा चार्ज है तो पॉजिटिव है, सी पर कैसा चार्ज है तो निगेटिव है, तो बी पर रखे चार्ज को, मतलब पॉजिटिव चार्ज पर सी का चार्ज, मतलब निगेटिव चार्ज अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा होगा, तो अट्रैक्शन का फोर्स किधर लगेगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, इस फोर्स को क्या कहेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट सी। ओके, अब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 pi epsilon 0 क्यू चार्ज एट ए, मतलब कि कितना हो गया, डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल वैल्यू ही लेकर चलते हैं, 9 × 10⁻⁹ क्यू, क्यू का मतलब 100 माइक्रो कूलम, 100 और माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, 1/4 pi epsilon 0 क्यू वन इंटू क्यू टू, 100 × 10⁻⁶, सिर्फ मैग्नीट्यूड हम दोनों का ले रहे हैं, बाई आर स्क्वायर, तो दोनों के बीच की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। कैसे आप 10 सेंटीमीटर समझे, तो साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 1/10 meter और इसका होल स्क्वायर। तो सावधानी से, फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट ए 9, देखिए ये 100 होगा, ऊपर जाएगा 10⁻११ होगा, है ना, 11 × 10⁻² और दो बढ़ेगा तो 13, उसमें आपका 13 × 2 = 15 में से 10⁻½ गया, तो टोटल 10⁻³। देखिए 9 × 11 × 13 × 15 × 10⁻½, तो 10³ लिखा। उसी तरह से फोर्स ऑन बी
ड्यू टू चार्ज एट सी बताना होगा बी पर सी के कारण। तो वही बात है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है और दूरी भी वही है, तो ये कितना आ जाएगा 9×10³ न्यूटन। दोनों का कैलकुलेशन उतना ही आएगा। अब दोनों फोर्स रिजल्टेंट है, तो दो वेक्टर है, फोर्स वेक्टर क्या कहने का मतलब, दोनों फोर्स है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये दोनों फोर्स बी पर लग रहा है तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा जी। तो जब दो इक्वल फोर्स हो, इक्वल वेक्टर हो, तो उसका रिजल्टेंट बीचों बीच होता है, एफ हो गया। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो उसका रिजल्टेंट जो होगा बीचों बीच होगा, मतलब ये दोनों के बीच का जितना एंगल होगा उसका आधा एंगल लेकर निकलेगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो जाहिर सी बात है 120 डिग्री, तो ये एंगल हमको 60 दिखेगा, ये भी कितना दिखेगा 60 दिखेगा। ओके, अब रिजल्टेंट का क्या फार्मूला होगा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, F1² + F2² 2F1F2 cos थीटा। तो देखिए, तो एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर प्लस 2FBA × FBC, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, इसके 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री का मान कितना, -1/2, तो -1/2 होगा, मैग्नीट्यूड में तो सब बराबर है, तो 9×10³ न्यूटन निकल कर आएगा रिजल्टेंट फोर्स, आप सब मान रखिएगा। और ये रिजल्टेंट फोर्स जो है वह देखिए साइड एसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। कैसे, तो अगर ये एसी पैरेलल, ये रिजल्टेंट फोर्स है 60 डिग्री, तो यहाँ का कोण भी कितना दिख रहा है, 60 डिग्री दिख रहा है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो होगा साइड एसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस टाइप से कुछ कुछ सवाल आप लोग कर लीजिएगा, कूलम्स लॉ से बेसिक ही पूछा जाता है, 1/4π ε₀Q1Q2πr² पर ही, और वेक्टर से रिलेटेड करके पूछेगा रिजल्टेंट वगैरह को लेकर। तो उम्मीद है कि कूलम्स लॉ आप लोग समझ चुके होंगे। थैंक यू।